स्कूल तो हम सब ने ही बहुत देखा है, बहुत प्रकार के स्कूल देखे हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष स्कूल, यानी स्कूल कहना उचित नहीं होगा, ये शिक्षण संकुल है, क्योंकि इसने अपने आप में बहुत सारी विविधताओं को समाहित किए हुए हैं। ऐसे शिक्षण संकुल जो कि गोरखपुर जिले के भरौली ग्राम में स्थित है, वहाँ पे आपको लेकर चलती हूँ। ये यहाँ इस शिक्षण संकुल में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और गवर्नमेंट सेक्शन तीनों ही हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको कहा। ये जो है ये राम सखी जी ही थी की मूर्ति है। ये इंटर कॉलेज का आपको मैं कैंपस दिखा रही हूँ। इंटर कॉलेज का ये ऑफिस है, ये बिल्डिंग है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे यूपी बोर्ड की पढ़ाई होती है और ये छात्राओं के लिए ये अपने आप में विशेष प्रकार का और बहुत ही गुणवत्ता वाला विद्यालय है। यहाँ के समस्त आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण यह विद्यालय इस क्षेत्र की सभी बालिकाओं के लिए उत्तम है और सभी बच्चियों की इच्छा होती है कि वो यहाँ पढ़ें, वो यहाँ पे एक बार आकर अवश्य पढ़ें। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट सेक्शन की तरफ। गेट से होते हुए, जो कि तीनों ही विद्यालय आपस में जुड़े हुए हैं, बस कुछ बाउंड्री वॉल से ये डिवाइड हैं। ये देखिए बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड, सुंदर हरा भरा प्राकृतिक वातावरण के बीच में बना हुआ ये सुंदर सा विद्यालय राम सखी राम निवास गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ भी साइंस कॉमर्स सभी की पढ़ाई होती है। यहाँ LKG से लेकर 12th तक की क्लासेस चलती हैं और यहाँ पर देश के कोने कोने से आकर टीचर्स अपनी सर्विस देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। और या कहें कि यहाँ पे देश के राज्य के कई राज्यों के टीचर यहाँ पे आकर बच्चों को अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और जितना सुंदर आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वैसे ही अच्छी और सुंदर यहाँ की पढ़ाई भी है, यहाँ का वातावरण भी है, बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत ही सुंदर वातावरण है। ये बड़ा सा स्पोर्ट्स ग्राउंड है जहाँ की बच्चों के स्पोर्ट्स होते हैं। कि पॉल्यूशन से दूर आप देख सकते हैं ये कितना विशाल विद्यालय है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बसें हैं और ये मेन गेट से होते हुए हम लोग स्कूल हॉस्टल की तरफ आ जाते हैं। ये जो मैंने भी आपको बताया कि यहाँ बहुत दूर दूर से टीचर आकर रहते हैं, केवल गोरखपुर के ही नहीं बल्कि कई राज्यों से टीचर आकर यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और वो उन टीचरों के रहने के लिए ये सुंदर हॉस्टल बना हुआ है। आपको मैं ऊपर से दिखाती हूँ। अब पूरी बिल्डिंग आप देखेंगे, देखिए अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य, इतना विशाल आपने आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा।
सुंदर माता जी का भव्य मंदिर आने जाने वाले विशेष अतिथियों के लिए बहुत ही विशाल हॉस्टल और इन सब के साथ साथ माता जी के मंदिर हॉस्टल के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा सा कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। बोटिंग करने के लिए सुंदर पॉन्ड भी बना हुआ है। कहें तो अपने आप में बहुत सारी विविधताओं को समाहित किए हुए एक मॉडर्न स्कूल है।